अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम निकले हैं, रात के 11 बज रहे हैं। तो ये है हैदराबाद का नज़ारा। ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश ये सारे रमज़ान के लिए यहाँ पे ख़ास स्टॉल लगता है फ्रेंड्स। तो हम एक्चुअली जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर लूँ कि यहाँ पे कितने ही सारे स्टॉल लगे हुए हैं फ्रूट्स के लिए, ख़ास रमज़ान के लिए, इफ्तार के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ना। रात के 12 बज, आई थिंक 11:30 हो रहा है, तो फिर भी इतनी रौनक। अब तो सुबह सहरी तक ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो हम निकल चुके हैं अभी आगे। आए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल नहीं, पेट्रोल भरने आए। बोलो। हाँ, पेट्रोल भरने आए हम लोग। वो दो और ये एक ना, तीन के ना।
से पहन के देखना। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर। तो आज सहरी हम लोग बाहर से ही लेकर आए हैं, यहाँ का हैदराबादी टेस्टी मरग। मरग आपको पता होगा, दिखाती हूँ। और नान और क्या, और चिकन बिरयानी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है चिकन बिरयानी, ये है इसके मसाले, और ये है बताती हूँ, ये है नान यम्मी सा, और उसके बाद मरग। कहीं कुछ और ना बोल दे, मरद ना बोल दे। मरग को मरद बोल रहा है। तो ये इस तरह की नान है, यम्मी सी। ये बहुत ही टेस्टी होती है नान, इसको खाते हैं मरग से। मरग एक बहुत ही हेल्दी हैदराबादी डिश है, बताती हूँ मैं। ये है, इसे कहते हैं मरग, और ये है नान। तो ये देखिए कितना यमी ये मरग होता है। ये बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड्स, ये शादियों में बहुत रखा जाता है हैदराबाद में। तो मुझे बहुत ही ये बहुत अच्छा लगा था जब मैं गई बाज़ार, तो मैंने ले लिया। तो इसे इंजॉय करेंगे हम इस नान के साथ। ये लो, मोहम्मद अली पहले खाएगा। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा के फिर बात करते हैं आप लोगों से। ये है चिकन बिरयानी। तो आपको क्या खाना है पहले? मरग। मरग को दर्द नहीं होता? नहीं।